लोगों को रिलीफ दे सके। एक और चीज मैं कहूंगा कि इस वक्त नूरियाबाद में गैस के जरिए 100 मेगावाट बिजली और हम Our aim is to simplify wireless connectivity. The partnership with Silicon Labs, although relatively new and in its infancy, Okay.
मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। हमारे मुल्क में 20 साल के बाद ये बेकसूर है। 20 साल के बाद आपने किसी की आधी उम्र जेल में कटवा दी, उसके बाद आपने कोर्ट में फैसला दिया कि ये बेकसूर। इसके अलावा बड़ी लंबी केसेस, मैं आपको सारे उनके लिंक्स भी भेज देता हूं, आपको टाइम ज्यादा नहीं लेता, मतलब क्या क्या यहां पे जुल्म नहीं हुए। लेकिन क्या हुआ, अभी उस वक्त तो इस तरह के हमने रिलीफ नहीं देखे। इस लाडले के लिए इससे पहले आपको याद होगा कि पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप और बाकी पार्टियों को जेलों में डाला गया, सजा नहीं हुई थी, सिर्फ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशनों में जेलों में डाला गया सालों साल पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप और मुख्तलिफ पार्टी के लोग जेलों में रहे साला साल। बाद में जमानत कब हुई, 5 साल के बाद, किसी की 4 साल के बाद, किसी की 3 साल के बाद, जेलों में सड़ते रहे, कैरेक्टर असैसिनेशन होती रही उनकी। इस शख्स को 25-24 दिनों में जी रिलीफ मिल गया, 24 दिनों में इसको लाडले का सर्टिफिकेट मिल गया कि जी आपको, आपके लिए खास कानून है। इस मुल्क के आइन के खालिक के लिए, इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाले हमारे वजीर आजम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर होता है, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब बींग ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 2 अप्रैल 2011 को सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजते हैं। 2 अप्रैल 2011 को सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजते हैं कि हमें इंसाफ करके दे। हम ये नहीं बोले कि जजमेंट हमारे फेवर में दे दें, हम नहीं कहते। आपने पुरानी जजमेंट पे कायम रहना है, आप कायम रह लें, आपके पास टाइम नहीं है हमारी अदालतों के पास वो केस सुनने के लिए। 2 अप्रैल 2011, आज 30 अगस्त 2023 है। उस मुल्क आप क्या इंसाफ दे रहे हो, क्या मैसेज दे रहे हो, आप क्या इंसाफ दे रहे हो, क्या मैसेज दे रहे हो कि जिस शख्स ने इस मुल्क को आईन दिया, जिस शख्स ने इस मुल्क को एटमी ताकत दी, उसको इंसाफ के लिए आप वक्त नहीं है। लेकिन हाँ, जो शख्स जिसका चेहरा आपको पसंद है, 24-25 दिनों में उसको जो है आपने फारिग कर दिया केस देखे, ये क्या मैसेज आप दे रहे हो? तो क्या हम बेवकूफ हैं, क्या हम समझ नहीं रहे, क्या हमें चीजें नजर नहीं आ रही कि अपने कौमी हीरो के लिए अगर आपके पास वक्त नहीं है उसके केस चलाने के लिए, और एक ऐसे शख्स को जिसने इस मुल्क की सियासत को तबाह व बर्बाद किया, जिसने इस मुल्क के सियासी कल्चर को बर्बाद किया, जिसने इस मुल्क में गाली गलौज के कल्चर को शुरू किया, जिसने इस मुल्क में नफरतों को शुरू किया, जिसने इस मुल्क में इदारों को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की, जिसने इस मुल्क के इदारों के खिलाफ बेहुदा घिनौनी मुहिमें चलाई, जिसने इस मुल्क में भाई से भाई को लड़ाने की कोशिश की, जिसने इस मुल्क में तकसीम की सियासत शुरू की, जिसने इस मुल्क में पोलराइजेशन की सियासत शुरू की, उस जैसे ऐसे शख्स के लिए जो धांधली के जरिए इख्तदार में लाया गया, जिसके पास कोई अवामी मैंडेट नहीं था, जिसने इस मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद किया, जिसकी वजह से आज अवाम बिजली के बिल लेकर रोडों पर परेशान होकर घूम रहे हैं, जिसके लिए लोगों के घर रहे हैं, जिसके लिए लोगों के घरों को अजाब बना दिया गया है महंगाई के जरिए, जिस शख्स की वजह से, उस शख्स के लिए इतनी बड़ी ये दो दौरा मायार क्यों है पाकिस्तान के निजाम में, ये क्यों दौरा कानून बनाया गया है, ये क्यों दौरा मायार पैदा किया गया है? ये बायस फिक्र है, ये बायस तशवीश है। मैं समझता हूं इस तरह की चीजें जो है ये पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए, दौरा मयार नहीं होना चाहिए, और अदालतों को तमाम उनकी तरफ देखना चाहिए। ये उनका कसूर नहीं कि वो गरीब है, ये उनका कसूर नहीं कि उनकी आवाज देने वाला, उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, ये कसूर नहीं कि वो हमारे इस मुल्क में पैदा हुआ है तो उनको आप जेलों में सड़ने के लिए छोड़ दें।
और वीवीआईपी किस्म की ट्रीटमेंट है, वीवीआईपी किस्म के लोगों को दी जाए। देखिए जी, पीपुल्स पार्टी भी घबराई नहीं, कभी भाग के नहीं गई मुल्क से, कभी माफीनामे जमा नहीं कराए, कभी हमने मुआहदे नहीं कराए, कभी हमने किसी और मुल्क से मदद नहीं मांगी कि जी हमारे लिए ये सहूलत दी जाए जो बाकी पार्टियां करती रही हैं। पीपुल्स पार्टी ने तो इस मुल्क के लिए जान के नजराने दिए। वाहिद खानदान है पाकिस्तान का, वाहिद खानदान भुट्टो खानदान, पूरा का पूरा खानदान इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, आवाम के लिए कुर्बानी दी। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कोई खानदान नहीं पता, दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा कोई नहीं कि पूरे पूरे खानदान ने जो है वो जमहूरियत के लिए और आवाम के लिए जान की नजर आए। चलाई जिसने इस मुल्क में भाई से भाई को लड़ाने की कोशिश की, जिसने इस मुल्क में तकसीम की शासन शुरू की, जिसने इस मुल्क में पोलराइजेशन की शासन शुरू की, उस जैसे ऐसे शख्स के लिए जो धांधली के जरिए इख्तदार में लाया गया, जिसके पास कोई अवामी मैंडेट नहीं था, जिसने इस मुल्क की मौशत को तबाह बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से आज अवाम बिजली के बिल लेकर रोडों पे परेशान होकर घूम रहे हैं, जिसके लिए लोगों के घरों को अजाब बना दिया गया है महंगाई के जरिए, जिस शख्स की वजह से, उस शख्स के लिए इतनी बड़ी राहत कितनी जबरदस्त कारकर्दगी दीजिए, मुजम्मत कर दीजिएगा, जो भी आपने तबाही कर दी थी मुजम्मत कर दीजिएगा उसकी, जो मुल्क में सत्यानाश किया, जो इदारों पे हमले किए, जो एम्बुलेंस चलाई, जो बसें चलाई, जो लोगों को नुकसान पहुंचाया, बस मुजम्मत कर दीजिएगा खान साहब, गुड टू सी यू। अब ये आजकल वो गार्डियन बने हुए, तो ये गार्डियन जो है इसके वो चेंज हो रहे हैं इसके। मौजूद है उनकी तरफ देखना चाहिए, ये उनका कसूर नहीं कि वो गरीब है, ये उनका कसूर नहीं कि उनकी आवाज देने वाला, उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, ये कसूर नहीं कि वो हमारे इस मुल्क में पैदा हुए तो उनको आप जेलों में सड़ने के लिए छोड़ दें। और वीवीआईपी किस्म की ट्रीटमेंट है, वीवीआईपी किस्म के लोगों को दी जाए, ये मैं समझता हूं इसको खत्म होना चाहिए। देखिए जी, पीपुल्स पार्टी ने हमेशा तमाम मुकदमात का सामना किया है, कभी घबराई नहीं, कभी भाग के नहीं गई मुल्क से, कभी माफीनामे जमा नहीं कराए, कभी हमने मुआहदे नहीं कराए, कभी हमने किसी और मुल्क से मदद नहीं मांगी कि जी हमारे लिए ये सहूलत दी जाए जो बाकी पार्टियां करती रही हैं। पीपुल्स पार्टी ने तो इस मुल्क के लिए जान के नजराने दिए। वाहिद खानदान है पाकिस्तान का, वाहिद खानदान भुट्टो खानदान, पूरा का पूरा खानदान ने इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, आवाम के लिए कुर्बानी दी। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कोई खानदान नहीं पता, दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा कोई नहीं कि पूरे पूरे खानदान ने जो है वो जमहूरियत के लिए और आवाम के लिए जान की नजर आने दी हो। ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को जाता है, और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जैसी और कोई जमात या और कोई कायदत आज तक पाकिस्तान पैदा नहीं हुई। कब से लेकर आज तक कह रहे हैं कि नारे
देखे जी कहते हैं कि इसके गार्डियंस चेंज होते रहे मुख्तलिफ औकात में, जो थे पालने वाले, कभी इसको कौन पालता रहा है इस लाडले को, कभी कौन पालता रहा है, आजकल वो एक खास शख्स पाल रहा है जिसको कहता है गुड टू सी यू जी, खुशी हुई आपको देखकर, आपने मुल्क को ओ नौ में करके गया था, ये 10-11 में किया वाक्य है, नौ में करके गया था, दो दिन के बाद बोलता है गुड टू सी यू जी, आपने कितनी जबरदस्त कारकर्दगी दीजिए, मजम्मत कर दीजिएगा जो भी आपने तबाही कर दी थी, मजम्मत कर दीजिएगा उसकी, जो मुल्क में सत्यानाश किया, जो इधारों पर हमले किए, जो एम्बुलेंस चलाई, जो बसें चलाई, जो लोगों को नुकसान पहुंचाया, बस मुजम्मत कर दीजिए खान साहब, गुड टू सी यू। अब ये आजकल वो गार्डियन बने हुए, तो ये गार्डियन जो है ना इसके वो चेंज हो रहे हैं इसके। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये इस तरह नहीं है, हमें परमिशन नहीं है उस चीज की, हमें जो भी बिजली पैदा करनी है वो हमें नेशनल ग्रिड में ही देनी है, हम खुद उसको यूज नहीं कर सकते, हम किसी को डायरेक्ट बेच नहीं सकते, लेकिन हमें फिर भी जो है हमें नेशनल ग्रिड जो भी बिजली हमने पैदा की, और अब मजीद भी होगी, मैं आज भी कह रहा हूं आपको, पता है बीच में थर कोल के काम के लिए ये शुरू में मंसूबा तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने शुरू किया था, लेकिन फिर भी रोड़े अटकाने की कोशिश की गई इस मंसूबे के लिए, बाद में भी कोशिश की गई, इमरान खान का जो 3.5 साल के दौर थे आप देखें कि डिस्करेज करने की कोशिश की गई इस चीज को, हमें याद है माजी में भी कुछ हुकूमतों ने, मैं उन वजीरों के नाम नहीं लेना चाहता, उन पार्टियों के नाम नहीं लेना चाहता जिन्होंने राइटिंग में दिया कि हमें बिजली की जरूरत नहीं है, जब थर के कोयले की बिजली हमने फेडरल गवर्नमेंट में दी, ये पीटीआई की हुकूमत, पहले की बात कर रहा हूं, तो एक वफाकी वजीर साहब थे उन्होंने राइटिंग में दिया कि हमें बिजली की जरूरत नहीं है, ओ खुदा के बंदो कुछ अकल का से काम लो, आपको इस वक्त पाकिस्तान में बिजली की जरूरत है, बिजली की पैदावार की जरूरत है, और मैं फिर बोल रहा हूं जो सस्ते में सस्ती बिजली पैदा होगी तो आप सस्ते में सस्ती बिजली बेचोगे, और वो सस्ते में सस्ती बिजली आपको कोयले से मिल सकती है, वो पूरी दुनिया ने प्रूव कर दिया, बीच में ही वो ग्रीन एनर्जी और ये सारे कॉन्सेप्ट चले, लेकिन वो जिन मुल्कों ने कोयले से बिजली, पूरा यूरोपियन कंट्रीज जो है वो कोयले पे बिजली पे आ गए, तो आपको कोयले पे रिलाय करना पड़ेगा, आपके पास वाहिद हल है सस्ती बिजली देने का कि आप कोयले को ज्यादा प्रमोट करें, आप सियासत से काम ना लें, ये सब लोगों ने उन दिनों में कौमी गुनाह किए ही हैं जिन्होंने कहा कि हमें बिजली की जरूरत नहीं है, हमारे पास बिजली पर, ये इमरान खान की गवर्नमेंट में भी ये कहा गया कि जी हमें बिजली की जरूरत नहीं है, तो ये सारी चीजें जो है ये अब मैं क्या कहूँ कि एक नादानी होती है, एक होती है मिस्टेक, ये मिस्टेक नहीं, जब आप कोई फैसला कौम के लिए करने जा रहे हो ना तब वो मिस्टेक अलाउ नहीं होती है, तब ये होता है ब्लंडर, और ब्लंडर आप कौम के लिए नहीं कर सकते, मेरी गलती की वजह से अवाम को कभी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अगर मैं कोई ऐसी अपनी चाहे सियासत की सियासी सोच रख के कोई गलती कर रहा हूं, या कोई तासुब रख के गलती कर रहा हूं, या किसी मकसद से भी कोई ऐसी गलती कर रहा हूं, या मेरी नॉलेज नहीं है जिससे पब्लिक नुकसान पहुंचे, तो देन इट इज ए क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इनके बाद आप पूछिएगा, मुझे नहीं पता अली मादल शेख साहब का, एंड मुझे आज मैंने टीवी पे देखा कि जी उनके साथ ये वाक्य हुआ है। लाया जाए क्योंकि जिस तरह ये एक्सेस बिलिंग कर रहे हैं इस तरह उसमें भी ये डंडी मार रहे हैं, और इन्होंने अपने जो प्राइसेस हैं बढ़ाई हुई हैं जिससे आजकल लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। जी सर, जी सर, वकास करो राशिद साहब, पहले भी स्टे दिए हुए थे भाई, इससे पहले भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने स्टे लिए हुए थे, जो लेबर डिपार्टमेंट में नौकरियां थी उस पर भी इन्होंने कोर्टों में गए थे,
उनकी शुरू से ये कोशिश रही थी कि लोगों को रोजगार ना मिल सके। पीपुल्स पार्टी की कोशिश हमेशा रही है कि हम रोजगार देते हैं, और हमें मतलब अगर खुदा ना खासा बदनीयती होती तो हम पहले दे देते। ज़ाहिर हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, डिपार्टमेंट्स एसएनईआ निकालते हैं, बजट पास होते हैं, फिर वो एसएनईआ अनाउंस होती हैं, फिर उनके टेस्ट होते हैं, उन लोगों के टेस्ट हुए हैं, आईबीएस ने उनके टेस्ट किए हैं। आईबीए भी हाई कोर्ट के हुक्म पे कोर्ट ने कहा था कि जी आईबीए के टेस्ट के जरिए लोगों को नौकरियां दी जाएं। जब उन्होंने टेस्ट दिए, जब उनके अब टाइम था उनको ऑफर लेटर देने का, इस मौके पर एमक्यूएम चली गई स्टे ऑर्डर लेने के लिए। मैं कहता हूँ कितने इस वक्त हज़ारों की तादाद में उन घरों में जो एक खुशी की लहर दौड़ती, इन इस महंगाई के दौर में उनको रोज़गार मिलता, उनको पैसे मिलते, तनख्वाहें मिलती उनको हाथों में, आज वो सब लोग जो है वो सरापा एहतजाज हैं। लोग एहतजाज कर रहे हैं इस चीज़ में कि जी हमारे ये अदालतों का क्या काम कि रोज़गार रोकने के लिए। एक और चीज़ मैं कहूँगा, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक और काम किया है, मैं उनसे पुरजोर अपील करता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, ये फैसला अपना वापस लें। आपके फैसले से भी बहुत बड़े मसले पैदा हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कहा कि जी डेवलपमेंट सारी बंद कर दी जाए। पहली बात, इलेक्शन का शेड्यूल जब आया नहीं है तो आप डेवलपमेंट बंद नहीं कर सकते। और आप कौन सी डेवलपमेंट बंद कर रहे हो आपको पता है? किस तरह की डेवलपमेंट हो रही है? डेवलपमेंट वो हो रही है जो आपके सैलाब आए थे, सैलाब के बाद लोगों के ड्रेनेज स्कीम, वाटर सप्लाई की स्कीम्स, रोड रस्ते जो भी खराब हो गए थे, बहुत बड़ी तबाही आई थी, वो सारी रिहैबिलिटेशन की तरफ जा रही थी चीज़ें। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कहा कि आप नहीं, कोई अभी कोई भी आप स्कीम नहीं कर सकते। हाँ, नई स्कीम कोई अनाउंस ना हो केयरटेकर करे उस तक हद तक तो ठीक है, लेकिन जो बजट में असेंबली ने पास किया है, बजट जब असेंबली का मैंडेट है बजट पास करना, असेंबली नहीं, अगर आपने बंद करवाना करो तनख्वाहें भी बंद करा दें मुलाजमीन की, फिर सारा सूबा ही बंद करवा दें। असेंबली का मैंडेट था, उन्होंने बजट पास किया, स्कीम्स पास की हैं, वो स्कीमें मेरी नहीं है। उस सड़क पर अगर कोई चलती है, सड़क पर सिर्फ पीपुल्स पार्टी का वर्कर नहीं चलता, हर शहरी चलता है। अगर लोगों को पानी मिल रहा है तो सब लोगों को मिल रहा है, ये उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि किसको देना है किसको नहीं देना है। तो इस तरह की सोच रखना, मैं समझता हूँ, मेरी अपील होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, मौतबाना अपील होगी कि इस ऑर्डर को वापस लिया जाए। जो डेवलपमेंट का है हम नहीं करवा रहे, डिगरा हुकूमत करवाएगी ना डेवलपमेंट, अभी उनका सेटअप है, उनके मिनिस्टर्स बैठे, करने दें। आप लोगों के कामों को ना रोकें, क्योंकि मैं अभी अपने हल्के से आया हूँ, हल्के में लोगों के बहुत ज़्यादा लोगों में गुस्सा था कि जी हमें हमारी ड्रेनेज स्कीमें या वाटर सप्लाई की स्कीम जो है वो पूरी की पूरी बह गई थी बरसातों में और सैलाबों में, हमें वो दोबारा, हमें पीने का पानी नहीं है लोगों के पास, आप कैसे लोगों को मना कर सकते हो चीज़ें? तो ये अगेन मेरी गुजारिश होगी कि उसको रोका जाए। वकास साहब, देखें अगर आप बजट स्पीचेस उठा के देख लें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, पीपल्स पार्टी के फेडरल मिनिस्टर्स की, पीपल्स पार्टी के एमएनएस की, और कैबिनेट में भी आप देख लें, तो पीपल्स पार्टी ने महंगाई के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई है। इस तरह के टैक्सेस जो कि आवाम के लिए मजीद बोझ, उसके लिए हमेशा आवाज़ उठाई है। हम अभी भी सोल्यूशन में, हम तो आप मदद करने के लिए तैयार हैं, आप मदद लें हमसे। हमसे आप देखें, दो चीज़ें थी पीपल्स पार्टी की प्रायोरिटी, मैंने आपको कहा कि इस वक्त भी प्रायोरिटी क्या है, कि हमने, हम तो सेंस करें, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने, अल्लाह ताला ने इतना विजन दिया, वो सेंस कर लेती है। तभी तो पता, 2 लाख पहले, 3 लाख इस साल, 5 लाख लोगों को मुफ्त बिजली दी जा रही है। 10% कुछ नहीं है सिर्फ, कि अगर आपने 90% हुकूमत भर रही है, 16 का 10% उस हाउस होल्ड ने भरना है, उसने सारी उम्र पर उसने कोई बिल नहीं भरना। तो ये फैसले हैं, आप इस तरह लोगों को रिलीफ दें। आपके पास IMF की अगर कोई मजबूरियाँ हैं, आप IMF से भी डायलॉग करें कि जी यहाँ पे पब्लिक की पल्स जो है, पब्लिक इसको नहीं बर्दाश्त कर पा रही, हमें इस पे कोई गुंजाइश दी जाए। उसके साथ साथ आप अल्टरनेट तौर पे लोगों को जो रिलीफ दे सकते हैं वो दें, जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसके डेटा आपके पास BISP में और बहुत सारे डिपार्टमेंट के पास मौजूद हैं, उन डेटा के जरिए उन गरीब लोगों को आप टारगेटेड सब्सिडी दें। आप वो सब्सिडी ना दें कि गरीब के लिए भी वो सब्सिडी है और अमीर के लिए भी वो सब्सिडी है। आपको इस वक्त ज़रूरत है इस मुल्क को कि हम टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाएं।
संजय लहला कर ये बताइए कि अभी तो इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ है और निगरान गवर्नमेंट ने कहा है, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग का भी जो सिलसिला है वो सूबे भर में जारी है, इस हवाले से क्या कहते हैं? मुझे नहीं पता किसकी ट्रांसफर पोस्टिंग है। पुलिस में जो है अभी आईजीपी बदले हैं, सीसीपी बदल रहा है, डीएसपी। देखिए जी, हम निगरान हुकूमत की किसी चीज में अमल दखल नहीं करना चाहते। निगरान हुकूमत के पास जो आईनी मैंडेट है, जो आईन कहता है वो काम वो करते रहें, हमें किसी को एतराज़ नहीं है। लेकिन हमारा सिर्फ एक चीज़ है कि आप लोगों के डेवलपमेंट नहीं रोक सकते, जो कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि अगेन एक बहुत बड़ा इशू है।